हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। आज की जो भी डेवलपमेंट हुई है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद से धरना तहरीक लबैक वालों ने अपना लपेट लिया है, मुल्क भर से धरने खत्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन जो पंजाब में खासतौर पर लाहौर में जो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने धरने दे रखे थे उसमें से लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर होने वाला धरना अभी तक खत्म नहीं किया जा सका, क्योंकि यहां के कायदीन ने जो हुकूमत के और तहरीक लबैक के इस्लामाबाद में मौजूद कायदीन के दरमियान मुआहिदा हुआ उसे मानने से इनकार कर दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत साहब ने भी इस हवाले से समाप्त की केस की और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स उनके तरफ से आए। ना सिर्फ उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया बल्कि आर्मी के किरदार, आर्मी का जो सालसी का किरदार है, जो मुआहिदा करवाने का किरदार है, उस पर भी सख्त किस्म के सवालात उठा दिए और कुछ मजीद रिपोर्ट्स आईबी से तलब कर ली हैं। खासतौर पर यह रिपोर्ट के प्रोटेस्टर्स के पास, धरना देने वालों के पास गैस मास्क कहां से आए, उनके पास असलहा कहां से आया, उनके पास दीगर हथियार कहां से आए। और जो एक रिपोर्ट आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, वायरल हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने तकरीबन 90% काबू पा लिया था प्रोटेस्टर्स पे, कि अचानक करीब के एक मदरसे, करीब की एक मस्जिद से कुछ मजीद नफरी आई, कुछ मजीद कुमक आई, जिसके बाद मुजाहरीन को काफी सपोर्ट हासिल होगी। और एक ऑडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बहुत वायरल है, जो कि किसी साकिब नामी शख्स से कोई बात हो रही है जो कि मुबैना तौर पे आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा है। उसके हवाले से भी जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल आईबी से रिपोर्ट तलब कर लिया है। बहरहाल मामला काफी संगीन है क्योंकि हुकूमत पे शदीद प्रेशर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तकरीबन इस मुआहिदे को नाकाबिल कबूल अदालत के लिए करार दे दिया है, लेकिन इसी मुआहिदे की बिना पे कम अज कम अवाम को रिलीफ मिला है। तो आइंदा आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या बनेगी, इसी पर इस वक्त की स्पेशल ट्रांसमिशन में बात करेंगे। और खासतौर पर इस सारे मामले में अदलिया के और आर्मी के किरदार के हवाले से भी सवालात करेंगे और बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज ठीक आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आई कैन हियर यू। और मेरे साथ शफकत महमूद साहब भी हैं। शफकत साहब हैं जी लाइन पर? जी मैं वेट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे मौकिफ क्या है? क्या ये मुआहिदा दुरुस्त हुआ है? क्या जाहिद हामिद का इस्तीफा इस सारी सूरत हाल में इस तरह से दुरुस्त है? और जो आर्मी के किरदार पे आज जस्टिस शौकत साहब ने सवाल उठाया है कि आर्मी सालसी का किरदार अदा नहीं कर सकती और जिन फौजियों को सियासत का शौक है वो फौजी वो फौज छोड़ दें और सियासत में आ जाए, इन सारे मामला पे क्या कहेंगे शफकत साहब आप? हमारा मौकफ ये है कि हुकूमत ने इसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था वो नहीं किया। ये मामला बहुत पहले हल हो सकता था, जिन शरायत पे अब हल हुआ है इन्हीं शरायत पे पहले हो सकता था। और ये जो मार धाड़ हुई, जो खून खराबा हुआ, जो जाने जाया हुई, इनको अवॉइड किया जा सकता था। ये इनकी नाकस हिकमत अमली थी हुकूमत की, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ता गया बढ़ता गया। और राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट थी वो क्यों नहीं मंदिर आम पे आई, उसके बारे में पार्टी लीडर ने कहा था कि ये 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए, वो 24 घंटे में नहीं आई। और अब आके जिन शरायत पे बात हुई है, ये शरायत तो पहले भी मौजूद थी। तो ये बहुत इंतहाई एक नाअहमी है इस हुकूमत की जो आपको नजर आ रही है। और हम तो कहते हैं कि ये अब इस काबिल ही नहीं रह गए कि ये निजाम हुकूमत चला सके, ये इनके पास की बात नहीं है। हम समझते हैं कि शहरियों को जो तकलीफ थी उसकी वजह से बड़ी अच्छी बात है कि मुआहिदा हुआ है। और जो अगर फौज ने किरदार अदा किया तो बहुत अच्छा किया, किरदार अदा किया, लोगों को एक रिलीफ मिला है और मामला जो है वो आगे बढ़ा है। नहीं तो गवर्नमेंट तो पिछले 20-25 दिन से आप कह रहे हैं कि फौज ने किरदार अदा किया है तो ठीक किया है, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो इस पर काफी बरहम है, काफी खफा है, बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं उसने। देखिए बात यह है कि हाई कोर्ट का मकसद इस्लामी मामलात में
दाखिलत तो नहीं होता। हाई कोर्ट का तो ये था कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों ने शिकायत की थी कि जी वहाँ पे हम फंसे हुए हैं, हमें वहाँ पे लोगों का पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों का आना जाना मुहाल था, तो उन्होंने कहा ये क्लियर करें ताकि, तो वो मामला क्लियर हो गया। उसके बाद किस तरीके से हुआ है ये मेरा ख्याल है, मेरी जाती नज़र में जितनी मुझे लॉ की समझ है, ये कोई कोर्ट का मामला नहीं है। ओके, आप समझ रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, हालांकि पहले के लबैक वाले ही एक पिटीशन तो मैंने एक मिनट मेरा जरा थोड़ी से अल्फाज मेरे गौर से सुन लीजिए। मैंने कहा है कि जब एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला होता है तो कोर्ट में जाते हैं लोग, उसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि लोगों को तकलीफ हो रही है, ये इसको फैजाबाद को क्लियर किया जाए। वो क्लियर हो गया, मुआहदे से हुआ, पहले लड़ाई करने की कोशिश की, उस पर कामयाबी नहीं हुई, फिर मुआहदे से हो गया, मामला क्लियर हो गया। उसके बाद वो किस तरीके से हुआ ये मेरा मतलब है कि वो कोर्ट का दायरा इख्तियार में नहीं आता। अच्छा, इस सारे ड्राफ्ट में, इलेक्शन बिल के इस ड्राफ्ट में, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने अभी फिर ट्वीट की है कि तमाम जमातों का, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी वो कहते हैं कि शामिल रही है, तमाम का ये मुतफिक का ड्राफ्ट था, लेकिन तहरीके लबैक या रसूल अल्लाह के एहतजाज के बाद तमाम सियासी जमातों ने सियासत चमकाने के लिए अपने अपने आप को इससे अलग कर लिया और सारा मुद्दा, सारा मलबा डाल दिया हुकूमत पे और विफाकी वजीर कानून पे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कंसेंट था इसमें, उनका गो अहेड था, इसकी तरफ से आपके मेंबर्स का क्या पोजिशन है? मैंने कहा है कि ये बिल्कुल झूठ बात है। ये मामला किसी कमेटी में, दो कमेटियां थी जो इन इश्यूज को डिस्कस कर रही थी, कभी ये मामला डिस्कस नहीं हुआ। ये खुफिया तौर पे इन्होंने किया और इनको चाहिए था कि ये बताते कि ये तब्दीलियां हमने लाए हैं, सिर्फ ये खुफिया तब्दीली, एक तो ये जो हलफनामा है उसकी की और दूसरी खुफिया तब्दीली की इन्होंने, जो वो 203 है कि जिसमें पार्टी जो बंदा नाहल हो जाता है उसको पार्टी लीडर बनाने का, दोनों चीजों में इन्होंने खुफिया चीजें की। किसी मुझे आप किसी पार्टी से पूछ लें, JUI से पूछ लें, जमात इस्लामी से पूछ लें, पीपल्स पार्टी से पूछ लें, कभी ये मामला डिस्कस हुआ? और हमने तो जो फाइनल ड्राफ्ट था उसमें दस्तखत भी नहीं किए, बल्कि जब असेंबली में वोटिंग हुई तो हमने वॉकआउट किया। तो हम तो, हमें तो शदीद तहफुज आते हैं इस बिल के ऊपर, लेकिन ये मामला जो हलफनामे का है ये कभी किसी कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ। अगर एहसन इकबाल कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। लेकिन शफकत महमूद साहब, जो बातें आप कह रहे हैं कि इख्तलाफ किया, खासतौर पर चूंकि आप अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो कौमी असेंबली के जो मिनट्स हैं, कौमी असेंबली की जो डिटेल्स हैं, उसमें ऐसी कोई रिटन चीज सामने आ नहीं रही कि आपकी तरफ से इख्तलाफ था या आपके सामने ये मिनट्स में? पहली तो बात ये है कि ये जरा बताएं कि इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कब किया था, क्योंकि वो मिनट में रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मिनट में कोई बहस होती है तो वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। और मिनट में ये तो रिकॉर्ड है कि तरीके इंसाफ ने वॉकआउट किया और फाइनल बिल पे दस्तखत नहीं किए, ये तो रिकॉर्ड में है। तो जो चीजें बाकी आप कह रही हैं बताइए हमें, मुझे बताए मिनट्स कोई जिसमें ये रिकॉर्ड किया हो कि इस मामले पे बहस हुई है, बताइए, आप बता दीजिए। ठीक है, शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तर्जुमान, इस बात पे पुरजोर इसरार कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस सारे मामले में कोई किरदार नहीं है और ये मामला खासतौर पर खत्म नबूवत के हवाले से कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ। उनका कहना है कि खुफिया तौर से गवर्नमेंट इसको सामने लेके आई और कौमी असेंबली में ही मामला पता चला। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सब आप चूंकि आपका फौज से ताल्लुक रहा है और जिस किस्म के रिमार्क्स आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से आए हैं उसने पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया है, ना सिर्फ पूरे मुल्क को बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में जो हेडलाइंस लग रही हैं वो भी बड़ी हैरान कन है। क्या कहेंगे आप उनके रिमार्क्स पर फौज के हवाले से? फील के शौकत साहब, अजीज साहब को ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए सदीकी साहब को, इसलिए कि देखें फौज ने अपने आप को बिल्कुल अलहदा रखा हुआ था, किसी मामले में फौज इन्वॉल्व नहीं हुई है। बजे फौज को इन्वॉल्व किया गया कि आके मुजाहिद को मुंतशिर करें, फौज ने उस पर भी रजिस्ट किया और सिर्फ इस्लामाबाद में जो मेन स्टेट इंस्टीट्यूशन है लाइक PTB है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, प्रेजिडेंट हाउस पर और प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर फौज को भेजा ताकि इनकी हिफाजत कर सकें। उसके बाद अगर हुकूमत खुद चीफ आर्मी स्टाफ को कहती है कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनको बुलाती है और फिर वो भी सिर्फ सजेशन देते हैं कि आप ताकत का इस्तेमाल ना करें,
पाकिस्तान की आवाम का और फौज को आपस में एतमाद है, मोहब्बत है, इसको हम दूर नहीं करना चाहते, इसलिए फौज का इस्तेमाल नहीं करें। ब्लैकआउट जो था टीवी पे मीडिया का, न्यूज चैनल्स का, वो नहीं करना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा इसको फाम तफीम से हल कर लेना चाहिए। अब आप मुझे बताइए यहाँ फौज ने कहाँ इन्वॉल्वमेंट की, और उसके बाद अगर डी जी रेंजर्स को हुकूमत ने डिटेल किया क्या मुजाकरात करें, तो वो भी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के एक्शन कहने पर गए, यहाँ पर भी नहीं आता। फिर ये बात कहनी कि फौज छोड़ के आके वो सियासत करें, ऐसी बातें मेरे ख्याल में कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है। उनको ये कहना, आपने जब इंस्ट्रक्शन दी हुकूमत को कि धरना ख़त्म करें, अब हुकूमत के पास ऑप्शन थी या वो पीसफुल करते या वो सख्ती से करते, सख्ती करके देख ली नाकाम हो गए, देन दे रिक्वेस्टेड डीजी रेंजर्स को कि उसको मसले को हल करें। इसी 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 मामले के हवाले से अब आप मुझे ये बताएं कि फौज के एसओपीज क्या हैं, और यहाँ पर जैसा कि जस्टिस शौकत साहब ने सवालात उठा दिए हैं कि फौज ने अपने आईनी दायरा कार से बाहर काम किया है, और सबको पता है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि इनके साथ निगोसिएशन की जाएंगी। उसके बाद डी जी रेंजर्स को इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है वो रिक्वेस्ट भी की। तो अगर जस्टिस शौकत साहब के रिमार्क्स को सामने रखा जाए तो गैर आईनी काम किसने किया, फौज हुकूमत ने किया फौज से रिक्वेस्ट करके या फौज ने उसको एक्सेप्ट करके किया? मेरे ख्याल यहाँ पर आगे एसओपी क्या थी फौज की? देखिए फौज की एसओपी इज वेरी क्लियर, हुकूमत अगर ऑर्डर देती है और वो इन राइटिंग देती है, इवन यहाँ तक होता है कि नीड ऑफ सिविल पार जब मुजाहरा ऐसा किया जाता है जहाँ पर बहुत हालात खराब होते हैं, फौज को बुलाया जाता है, तो हुकूमत इन राइटिंग डिप्टी कमिश्नर फौज के कमांडर को लिख के देते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, और वो फिर एक मजिस्ट्रेट साथ डिटेल करते हैं जो 24 घंटे कमांडर के साथ रहता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि मैं आपको सिचुएशन हैंड टू हैंड ओवर कर रहा हूँ, नाउ इट इज़ अप टू यू। देन आर्मी स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है और इसको किसी तरीके से हल भी कर सकती है। हुकूमत जो है जो है वो फौज जो है उसके ताबे है, फौज को अगर वो कहते हैं कि आप इसका मसला हल करें, कहते हैं इमरान खान के धरने में हुआ था उस वक्त भी, इसी तरीके से चीफ आर्मी स्टाफ जो थे उन्होंने काफ़ी हद तक इसको सेटल करने की कोशिश की थी, यही बात इस तरह की है। तो मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर ये शौकत सदीकी साहब को मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ा सा बहुत हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की है आर्मी के खिलाफ। ओके ठीक है, और ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे को आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि ये स्टेट की शिकस्त है, स्टेट ने बहुत ज्यादा मुतालिबात मान लिए हैं, और एक ऐसे गिरोह के जिनकी ना कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है ना कोई दूसरा उनके स्टेक्स हैं इस सोसाइटी में या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, तो क्या आप इसको स्टेट की डिफीट के तौर पर देखते हैं? और खासतौर पर जो एक लास्ट पॉइंट है जो कि इस मुआहदे में शामिल किया गया कि आर्मी चीफ के मशकूर हैं और उनकी टीम के मशकूर हैं, आपको लगता है कि ये बात ऐड होनी चाहिए थी मुआहदे में? बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए थी, और ये टोटल हुकूमत की नाअहली है 200%। हुकूमत नाकाम हो गई। अगर आपने यही बात करनी थी तो आप आज से 20 दिन पहले कर लेते, जिसमें लोगों को भी इनकन्वीनियंस हुई, और आपने एक इशू को नॉन इशू को इतना बड़ा आपने उसको ब्लो करके इस पार्टी को स्ट्रांग कर दिया जो कल आपके खिलाफ इलेक्शन में भी लड़ेंगे। किसी को डाउट नहीं है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर, खात्मे नबीयीन पर हम सब मुसलमान हैं। हाँ, हुकूमत की जिम्मेदारी थी इस पर जो भी इन्वॉल्व था उसको सामने लाना चाहिए। अभी भी मेरे ख्याल में एक्चुअल जो भी कल्प्रेट अब सामने नहीं है, इट कैन बी द हाइएस्ट पर्सन इन इनकी पीएमएल गवर्नमेंट में, एंड आई थिंक आप सबको पता है कि वो कौन हो सकते हैं। इसके अलावा ना लॉ मिनिस्टर्स को चेंज कर सकते हैं, ना लॉ सेक्रेटरी कर सकते हैं, ना कोई क्लैरिकल मिस्टेक्स होती है। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक तो ये बात हो गई, सेकेंड ये कि ये आपने अब जो खून खराबा भी किया, आप हटा भी नहीं सके, आपने नाकाम ऑपरेशन भी किया, आपने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी, आपने वीक विकेट होकर आपने लबैक या रसूलल्लाह पार्टी से आपने नेगोशिएशन भी की जो टोटल नाकामी है, और उसके बाद आपके इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था ऑपरेशन करने का, देन वॉट फॉर यूर इंटीरियर मिनिस्टर? दिस इज वेरी आई थिंक जो रिमार्क्स हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं, और यहाँ हुकूमत ने अभी बहुत स्ट्रेंज है, ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि 6-7 घंटे तक वो ऑपरेशन चलता रहा, और अगर ऐसा इकबाल साहब को मालूम नहीं था, उनके गो अहेड से नहीं, उनके कंसेंट से नहीं हुआ था, तो फिर उसको फौरन रुकवा लेते, ये बड़ा एक हैरान कुन सा मामला है। ब्रिगेडियर हारिस साहब आपके पास दोबारा भी आऊंगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा सईद खानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सईद खानी साहब।
बहुत शुक्रिया स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकालने पे। सर ये फरमाइएगा कि ये जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? क्या आप समझते हैं कि मुआहिदा ठीक हुआ या गलत हुआ? स्टेट की डिफीट हुई या गवर्नमेंट की इसमें विक्ट्री हुई? क्या पीपल्स पार्टी की इस पर राय क्या, और खासतौर पर जस्टिस शौकत साहब के जो रिमार्क्स आए हैं हुकूमत के हवाले से और फौज के हवाले से, सर कमेंट कीजिएगा इस पर। देखिए सरिता, बात यह है कि जहां तक धरने खत्म करने की बात है, किसी भी बड़े साने से बचने की बात है, जहां लोगों की जान बचाने की बात है, इस हद तक तो धरने का खात्मा अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो रिटर्न एग्रीमेंट हमने देखा है उस पर किसी एक जनरल साहब के दस्तखत होना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क में बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, जाहिर है कुछ लोग उनको मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन अगर अलग ऐलान इस किस्म की चीजें सामने आना शुरू हो जाएं जिससे ये तासुर मजबूत हो कि गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी खत्म हो रही है या जो सिविलियन अथॉरिटी है वो खत्म हो रही है या कम हो रही है और वो कोई और इदारा जो तमाम चीजें जो है वो हैंडल करना शुरू कर दी उन्होंने, तो ये किसी भी तरह से जमहूरियत के हक में नहीं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत शायद बहुत पहले बेहतर तरीके से सारे मसले हैंडल कर सकती थी, लेकिन उनकी जो अपनी कोताही और ताखीर हुई है उसकी वजह से ये सारी चीजें डेवलप हुई। और हम हमेशा कहते हैं कि जब आप अपनी स्पेस छोड़ेंगे तो कोई और उस स्पेस को जो है ना आपकी कैप्चर करेगा। सिद्धनी साहब, आप समझते हैं कि सिर्फ दस्तखत नहीं होने चाहिए थे या आर्मी को इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहिए था, या हुकूमत की गलती है, या फौज को इस मामले में इस तरह सामने नहीं आना चाहिए था सालिस के तौर पे? देखिए मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास तो बड़े लिमिटेड ऑप्शन थे, उनके पास तो कोई खासतौर पर जो इन्होंने कार्रवाई की उसके बाद इनके पास क्राइसिस इतनी ज्यादा थी नहीं। उन्होंने जाहिर है कि आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी बुलाया, लेकिन फिर उसके बाद जो चीजें सामने आई कि शायद उन्होंने कहा कि ये किसी अदालत का ही ऑर्डर है कि कोई फायर आर्म्स जो है वो यूज नहीं हो सकते, लिहाजा वो मुझे लगा कि थोड़ा सा रिलेक्टेंट थे कि कोई कार्रवाई में हुकूमत का हिस्सा बने। आईनी तौर पर हुकूमत के पास ये इख्तियार है और उनका मैंडेट है कि अगर सिविल लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो है वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फौज को बुला सकते हैं, लेकिन अगर फौज थोड़ी रिलेक्टेंट हो वो अपना किरदार अदा नहीं करना चाहती तो फिर मैं समझता हूँ कि उनका एक रोल बनता तो है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरह के एग्रीमेंट कराने में, जिस तरह एक इवेंट आपके सामने कराची में भी आया था जब एमपीओ को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, उस वक्त भी हमारा ये कहना था कि जमातें इकट्ठा हो सकती हैं, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इदारा उनको इकट्ठा करे जिसको सियासत से बाहर रहना चाहिए वो बात काबिल एतराज है। तो यहीं पर यहाँ पर भी यही चीज है। ठीक है, ठीक है। सैयदुल्लाह साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, आप मेरे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ हैं, दिग्गज पॉलिटिकल पार्टीज से भी इस पर राय लेंगे और लॉ एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स के हवाले से। स्टे विद अस इन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन, हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद धरने के हवाले से। इस्लामाबाद से धरना तो खत्म हो गया फैजाबाद से, लेकिन पंजाब में खासतौर पर लाहौर में कहीं कहीं पर धरना बरकरार है, और इस वक्त लाहौर में जो पंजाब असेंबली के बाहर धरना है चूंकि मेजरली वो सुन्नी तहरीक की तरफ से है और उनका मुतालबा ये है कि वो इस्लामाबाद वाला मुआहिदा कबूल नहीं करते, और उनका कहना यह भी है कि इस्लामाबाद के मुआहिदे में खून का सौदा कर लिया गया गवर्नमेंट के साथ। अब सूरत हाल आगे क्या बनने जा रही है, क्योंकि इस धरना देने वालों के अपने अंदर संगीन किस्म के इख्तलाफात सामने आ गए हैं, हुकूमत पंजाब में सूरत हाल से किस तरह से निमटेगी, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सईद खानी साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सईद साहब, चूंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, आप बात कंप्लीट कर लीजिएगा और खासतौर पे इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा, फिर आई विल गो टू ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। नवाज साहब, कि पीटीआई ने तो मुतालबा कर दिया था कल ही कि सिर्फ जाहिद हामिद साहब नहीं बल्कि एहसन इकबाल साहब भी और वजीर आजम भी इस्तीफा दे दें, पीपल्स पार्टी का इस सिलसिले में क्या मुतालबा है? देखिए पीटीआई काफी अच्छे से ये कह रही है कि जल्दी इंतखाबात कराए जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो इस मौके से फायदा उठा के नए इंतखाबात की राहदार करना चाहते हैं, जबकि पीपुल्स पार्टी ने इंतखाबात वक्त तक करने की बात की है, तो हम इस वक्त ये नहीं समझते हैं कि नए इंतखाबात तो फौरी होने चाहिए, इंतखाबात अपने टाइम पर हों। जो इशूज उभरे थे मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ताखीर से ही सही उनको हल करने की यकीन यानी कराई है, तो इंतखाबात वाली बात तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करते।
ठीक सैयद खान साहब की आवाज भी जरा ठीक नहीं आ रही, दोबारा कॉल मिलाएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपके पास मैं दोबारा से आऊंगी। जो रिमार्क्स जस्टिस शौकत साहब ने दिए, आपने कहा कि बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए, लेकिन मुआहदे में ये लाइन ये बात शामिल नहीं करनी चाहिए थी कि आर्मी चीफ के और उनकी टीम के मशकूर हैं, क्योंकि इससे आगे इम्प्रेशन भी खराब जाता है और आगे जो डिस्कोर्स है सोसाइटी का उसके लिए भी ये मुनासिब नहीं है। अब इन सारे मामले का आगे हल क्या है, आप आगे होता क्या देख रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब? ये फिलहाल तो ये नज़र नहीं आता कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये और एग्रीवेट होगी। सुनी तारीक लाहौर आपके सामने हैं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और हुकूमत ने वो जो मिसाल है आप बैल मुझे मारो खुद फंस गए हैं। एक सिंपल उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हामिद जाहिद साहब को आप अलग कर दें, रिज़ाइन करवा दें, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती, इन्होंने उसको भी नहीं किया। प्रॉब्लम नवाज़ गवर्नमेंट की ये है कि हमेशा टाइम एंड स्पेस में लेट हो जाते हैं। जब वक्त था उस वक्त इन्होंने फैसला नहीं किया, अब जब इतनी खिफत उठाने के बाद 20 दिन आवाम को परेशान करने के बाद, उसके बाद एक ऑपरेशन नाकाम ऑपरेशन करने के बाद अब उसी बात पर जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल में अब ये मुआहदा यहाँ पर नहीं चल सकेगा। उनकी बेसिकली सबसे बड़ी नाअहली जो इसमें मैं काउंट करता हूँ वो है इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखें, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, आवाम ने पार्लियामेंट चुनी अपने, फिर उसके बाद उस पार्लियामेंट ने अपने वज़रा चुने और फिर अपना चीफ एग्जीक्यूटिव चुना। उनका काम है कि इन चीज़ों में टाइमली डिसीजन लेना। जब तक ये नवाज़ हुकूमत नवाज शरीफ से प्राइम मिनिस्टर से ये मशवरा नहीं करते हैं, उनकी आशीर्वाद नहीं लेते हैं, ये कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिले हुआ और डिले होने के बाद उस पॉइंट तक पहुंच गया जिसमें पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि ये रिलीजियस कुव्वतें ये कितनी नज़दीक है इस्लामाबाद के, जहाँ उसके नज़दीक हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, और जिसकी वजह से उनको हमेशा फिक्र रहती है कि दहशतगर्द रिलीजियस तहजीब में कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता अगर इनके हाथ में कोई हमारे न्यूक्लियर एसेट्स आ जाएँ तो वर्ल्ड के पीस को ख़तरा है, जिसको अब तकवीत मिली है। दे हैव मोर रीजन्स, इसीलिए अमेरिकन ने अपनी प्रेजेंस रखी हुई अफगानिस्तान में और वहाँ उनके ट्रूप्स भी बैठे हुए हैं। ये अगर हमारी हुकूमत की नाअहली है, कमजोरी है, लेकिन हारिस साहब यहीं पे आपको रोकूंगी, क्योंकि इसी हवाले से एक सवाल जन्म लेता है। जस्टिस शौकत साहब ने पिछली समात में ये भी कहा था कि ऐसा तासुर है कि इस धरने के पीछे खुफिया एजेंसियां हैं, और अगर ये तासुर गलत है तो फिर इसकी नफी करना चाहिए। इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बगैर हारिस साहब यही सवाल लेके आपके पास आऊंगी, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो इरफान कादिर साहब से सवाल कर लूं जस्टिस शौकत साहब के रिमार्क्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मिशन के लिए वक्त निकालने पे। और एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत कम हमने देखा कि अदलिया इस किस्म के रिमार्क थे, खासतौर पे फौज के हवाले से और फौज की भी टॉप लीडरशिप के हवाले से। जस्टिस शौकत साहब ने तो बहुत ब्लटेंट क्वेश्चंस उठा दिए, उन्होंने कहा कि जी फौज को इसमें सालिसी का किरदार अदा करना ही नहीं चाहिए था, और अगर फौजियों को सियासत का शौक है तो फिर फौज छोड़ दें, सियासत करना शुरू कर दें, फौज ने अपने आईनी किरदार से तजावुज किया है। क्या कहेंगे आप जस्टिस शौकत साहब के इन रिमार्क्स के हवाले से, इस तरह के अदालती रिमार्क्स होने चाहिए? जी देखें, ये एक जस्टिस शौकत साहब जो है ना, ये और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, ये एक खास किस्म का माइंडसेट है और इनकी कोशिश की है कि किसी तरह से सारे मुल्क को और फौज को अदलिया के ताबे कर दिया जाए। इससे पहले जो जजमेंट जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने दी हैं, खासतौर पर 31 जुलाई की जजमेंट, उसमें सारा थ्रस्ट ही इस बात पे है कि तमाम इदारे जो हैं वो किसी तरह से अदलिया के नीचे आ जाएं, और वहाँ पे फौज को कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी और फौज को कमज़ोर करते हुए जनरल मुशर्रफ को यूजर्पर तक डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ये तमाम चीज़ें इसलिए नहीं हो सकी कि फौज एक बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है और अदलिया के 8-10 मुठ्ठी भर जज जो कि जिनकी सिलेक्शन भी प्रॉपर नहीं है और जो कि ना इलेक्टेड हैं और वो इम्प्रॉपरली सिलेक्टेड हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो सारे मुल्क को इस तरह से टेक ओवर कर लेते जिस तरह के एक दफा बांग्लादेश में हुआ है। तो अब ये लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं उस तरह करने की, उस तरह का कोई मॉडल कायम करने की, जो कि मैं समझता हूँ कि अदलिया पूरी तरह से नाकाम होगी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा फौज है और अदलिया में वो नज़्म व ज़ब्त नहीं है। इसीलिए अदलिया में हमें देखने को मिलता है, हम कहते हैं चौधरी कोर्ट है, डोगर कोर्ट है या फिर मुनीर कोर्ट है, लेकिन फौज में कभी भी नहीं कहा गया कि ज़ियाउल हक आर्मी है या अयूब खान आर्मी है या मुशर्रफ आर्मी है, हमेशा इसको पाकिस्तान आर्मी कहा गया है। और पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो फौज है, अगर हम फौज को कमजोर करेंगे जिस तरह के इन जनों का ख्याल है तो फिर वो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ही नहीं। लेकिन
लेकिन इरफान कादिर साहब, इसी किस्म के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी दिए थे, फिर आप क्या कहेंगे? ये तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत साहब की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फाइज ईसा साहब ने, उन्होंने भी इस तरह के रिमार्क्स दिए थे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौज ने आईनी दायराकार में रहकर ही काम किया है और जस्टिस शौकत साहब के जो रिमार्क्स हैं वो कानून के दायराकार से बाहर हैं? कैसा है फाइज ईसा का भी एक माइंड सेट है, उसकी जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस है फौज के साथ, उसके जाती क्या इश्यूज हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि वो भी बहुत सख्त, उनकी जो है वो एंटी आर्मी है, जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी करने की कोशिश की थी। तो मैं समझता हूँ कि जजेस को अपने फैसलों की हद तक रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। इनका काम सिर्फ इतना है कि इनके पास जो मुकदमात आते हैं वो वाकियात और कानून की रोशनी में फैसले करें, फौज उनके ताबे नहीं है ना ही फौज उनके मतहत है। तो लिहाजा इस तरह की ऑब्जर्वेशन फौज के बारे में देना बहुत ही गलत बात है, और मैं समझता हूँ कि फौज को भी ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आइंदा से कोई जज इस तरह के रिमार्क पाकिस्तान की फौज के बारे में ना दे। आप कह रहे हैं कि फौज है कि फौज को इस मामले में बिल्कुल उनको इनको कहना चाहिए कि ये इस तरह के रिमार्क बंद करें, ये इनके दायरा अख्तियार में नहीं है, ये चीज ये गैर कानूनी चीज कर रहे हैं ये जज साहबान जो फौज के बारे में। इरफान कादिर साहब, अगर फौज इस पर करती है तो क्या ये एक इदारों के तसादुम की सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी या तासुर नहीं जाएगा? देखें तसादुम तो जजेस ने किया ना, जज ने किया, पहल तो उन्होंने किया। आर्मी चीफ की पोजीशन अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी देखें तो जजेस से बहुत ऊपर है। आर्मी चीफ जो सारी पाकिस्तान की 8 लाख की आर्मी है, आप पाकिस्तान आर्मी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कमाल ये बात की है जज साहबान ने। ओके, तो आप समझते हैं कि फौज ने इसमें जो किरदार अदा किया है वो सियासी नहीं है, वो आइन के दायरे कार से बाहर नहीं है और इस तरह एग्रीमेंट में किरदार अदा करना चाहिए था? और खासतौर पे जरा कमेंट कर दीजिएगा इरफान कादिर साहब, जो एक लाइन ऐड हुई है आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करने की, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखें फौज का एक बहुत अहम किरदार है और वो है टू प्रोटेक्ट द स्टेट, और वो जो पाकिस्तान की तारीखी पस मंजर में अगर देखें तो फौज का जो किरदार रहा है टू प्रोटेक्ट द स्टेट वो सबसे ऊपर रहा है, और वो किरदार जो है वो ना तो कभी अदलिया ने अदा किया ना किसी और इदारे ने पाकिस्तान में अदा किया। आज अगर पाकिस्तान है तो वो बेस फौज की वजह से, तो ये फौज के बारे में ऐसी बातें करनी, यानी ये जजेस जो कि इनकी अपनी अपॉइंटमेंट सही नहीं है, मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इनको बहाल कराया उन तक ने कह दिया कि इनकी अपॉइंटमेंट, ये पीसीओ जजेस हैं उनमें से बहुत सारे, तो ये लिहाजा इस तरह की बातें मैं नहीं समझता कि जेब देती हैं जजेस को अपने कोड ऑफ कंडक्ट में रह के ऐसे रिमार्क भेजा नहीं देने चाहिए। ओके, इरफान कादिर साहब आप मेरे साथ रहिएगा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपके पास मैं वापस आऊंगी, क्या कहेंगे आप इरफान कादिर साहब के कमेंट्स के हवाले से? मैम इरफान ने बिल्कुल सही बात की है, देखें एक जो मिलिट्री है इट्स अ सिंबल ऑफ फेडरेशन, और इस वक्त जो नैरेटिव है वो यही है कि फौज को कमज़ोर कर दें ताकि आपकी फेडरेशन कमज़ोर हो जाए। तो इस नैरेटिव को जो दुश्मन की कुवतें लेके चल रही हैं, अगर हम इनएडवर्टेंटली भी ऐसी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सेकंड ये कि हुकूमत वक्त ने आर्मी चीफ को कहा कि आप हमारी मुआवनत करें, हमें हेल्प करें, ये उन्होंने अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर शो की है कि जी हम इस काबिल नहीं हैं, कि हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है, हमारे वज़रा ठीक नहीं है, वो इस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सके, इसलिए डीजी रेंजर्स को कहा गया और उनको फिर उनसे साइन करवाए गए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, या तो फौज ने खुद स्टेप इन किया हो, फौज ने कहा जी कि हम आएंगे और ये मसला हल करेंगे, आप साइड पर हो जाएं, देन यू कैन ब्लेम। तो ऐसे अल्फाज कभी भी नहीं कहने चाहिए, और उन इन्वायरमेंट में जब फौज एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर रही है, चाहे आप ज़रब अज़्ब देख लें, ज़रब रद्दुल फसाद देख लें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखें, दहशतगर्दी खिलाफ देखें, हर जगह फौज मौजूद है। रद्दुल फसाद के हवाले से भी शौकत साहब ने कहा कि जी रद्दुल फसाद चल रहा है और आपको फैजाबाद में इस्लामाबाद में फसाद होता हुआ नजर नहीं आया। एक और चीज जो कि मुझे जिस पर मुझे काफी तशवीश हुई, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ ब्रिगेडियर हारिस साहब, कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना तहरीरी ऑर्डर जारी किया है उसमें उसने जो आई बी के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल हैं
उनसे रिपोर्ट मांगी है और खासतौर पे उस वीडियो के हवाले से जो कि व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने तकरीबन 90% काबू पा लिया था, फिर एक करीबी मदरसे से कुछ नफरी आई जिसके बाद बिल्कुल काया जो है पलट गई। एक तो उस वीडियो के बारे में, दूसरी जो एक वायरल ऑडियो चल रही है आपने भी सुनी होगी व्हाट्सएप पे, कोई साकिब साहब से कोई बंदा नामालूम बात कर रहा है और मुबैना तौर पे वो आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बयान कर रहा है। तो ये चीजें, इनकी भी तहकीक हो सकती है, इनकी तहकीक भी इस सारे मामले में करवाना चाहिए था। जो जस्टिस शौकत साहब ने रिपोर्ट मांगी है DGIB से, वो ठीक मांगी है इस हवाले से? शौकत साहब को अगर तो रिपोर्ट मांगे कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, आपने पहले इसको प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया, आपने फोर वॉन क्यों नहीं किया जो इंटेलिजेंसीज का काम होता है, अगर आपने फोन वॉन्ग किया था वो रिटर्न रिपोर्ट लाइए ताकि पंजाब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करें, जहाँ से ये लोग इनिशिएट हुए फिर आहिस्ता स्टेप वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज गुजरांवाला, गुजरात, जेलंग, गुजर खान यहाँ पर आके वो रोका क्यों नहीं गया उनका, ये बातें तो ठीक हैं। सोशल मीडिया पर अगर वो इंक्वायरी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी को भी जो है कॉन्ट्रोवर्शल बनाने की बात नहीं है। ख़ास तौर पर जुडिशरी और फौज जो एक अहम सतून है हकूमत के, उनको मेरे ख्याल में इन चीज़ों से अब बालाता रखना चाहिए और हुकूमत की कारकर्दगी यस ये क्वेश्चन है, इस पे जरूर सवाल कर सकते हैं। ठीक है, सईद हनी साहब ने दोबारा मुझे ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन सईद हनी साहब, आपको आवाज ठीक आ रही है? सईद हनी साहब, क्या आप मुझे सुन, आपकी आवाज थोड़ा सा लेट आ रही है मुझे, लेकिन मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा। एहसन इकबाल साहब पहले दिन से कह रहे हैं, कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में भी कहा था उन्होंने, आज ट्वीट भी किया था उन्होंने, उनका कहना था कि नून लीग अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें PTI शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, उन्होंने ये इलेक्शन बिल अप्रूव किया था जिसमें खत्म नबूवत के हवाले से क्लॉज भी शामिल थी, 203 की क्लॉज भी शामिल थी, और जब ये तहरीक लबैक वालों ने एहतजाज शुरू किया तो तमाम सियासी जमातों ने सियासत चमकाना शुरू कर दी और नून लीग पर जो है वो मुद्दा डाल दिया। क्या कहेंगे आप इस पर, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड था? देखिए, मैं खुद इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर था जो उसकी बड़ी कमेटी बनाई गई थी, पहले पार्लियामेंट्री कमेटी, इनफैक्ट रजा रब्बानी साहब पहले मेंबर थे, जब वो चेयरमैन सेनेट बन गए तो फिर मुझे उस कमेटी में डाला गया और उस कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई थी जिसके अंदर कुछ लोग थे और वो फिर उस पर ज्यादा काम करके जो मेजर जो बेसिक कमेटी थी उसको रिपोर्ट देते थे। मेरे सामने किसी भी मीटिंग में इस तरह की कोई चीज नहीं आई जिसमें ये बात की गई हो कि हम इसमें क्या कोई तब्दीली करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। हम बात करते थे मोस्टली जो बेसिक लॉ है आपका उस पर। अब ये जो उसके साथ एनेक्शन होते हैं, जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं या जो मुख्तलिफ ओथ होते हैं, वो किसी भी जगह मेरे सामने आई नहीं है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि ये बात अगर कहीं आती तो इसमें देखिए, चले पीपुल्स पार्टी को लोग ये कह सकते हैं कि जी इनको तो शायद इस चीज की परवाह नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जमात इस्लामी भी शामिल थी, उसके अंदर JUI भी शामिल थी, उसके अंदर और ऐसी जमातें भी शामिल थी जिनका शायद इन चीजों पर ज्यादा नजर होती है। तो अगर कोई अब ये कहे कि जी उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया और वो भी आंख बंद करके बैठे रहे तो ये गलत तासुर है। बुनियादी तौर पर इसकी जो हर चीज थी वो देखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, ड्राफ्टिंग हुकूमत की तरफ से होती थी, कॉपियां हुकूमत की तरफ से तकसीम की जाती थी। अब अगर वो सबके ऊपर डालना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन अगर ये बात इस किस्म की होती और ये शेयर की जाती तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे मेंबरान उस कमेटी में उसी वक्त इस पर एतराज रेज कर देते, लेकिन इसकी तहकीक होने की जरूरत है। लेकिन ड्राफ्ट की जो कॉपी पीपल्स पार्टी को प्रोवाइड की गई थी वो आप लोगों ने पढ़ी थी जिसमें ये शख्स शामिल थे? लेकिन मैंने जैसे भी आपको चीज बताई कि हम जो, चूंकि आपको पता होगा कि इलेक्शन के मुख्तलिफ कवानीन थे, मुख्तलिफ अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज, एक अलग था तो सेनेट का इलेक्शन अलग होता था, फिर उसमें स्पीकर के इलेक्शन के अलग कवानीन थे, जनरल इलेक्शन, बहुत सारे मसाइल थे उसके अंदर। तो ये कहा गया कि इन सबको यूनिफाइड एक लॉ बनाया जाए जो इलेक्शन के हवाले से, 2018 के हवाले से इलेक्शन उसके तहत हुए। अब हम सारी जो डिस्कशन और डिबेट होती थी वो कवानीन के मुतालिक होती थी, ये जो उसके साथ एनेक्सेस होते हैं या जो फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट, वो मेरे सामने किसी भी मीटिंग में डिस्कस नहीं हुए हैं। मैं तो आपके सामने सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर आप एनेक्स कभी देख लो, जो रिपोर्ट दी जाती है वो गरीदा सैकड़ों पेजेस पे होती थी, सैकड़ों पेजेस पे, और उसके लिए ये मुमकिन नहीं, और जब आप मीटिंग होती थी तो आपको दिया जाता था, ये मुमकिन नहीं है कि आप हर चीज में जाएं और खासतौर पर जिस चीज की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, जो चीज डिस्कस हुई नहीं है, तो उसके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है ना कि ये उसी तरह जाएगी। बात तो सिर्फ उसकी हो रही थी जो तब्दीलियां की जा रही थी, तो तब्दीली अगर इसमें की गई थी तो मेरे सामने कम से कम किसी मीटिंग में ये चीज नहीं डिस्कस हुई है। अब बाकी जो मेंबर्स थे उससे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि JUI और जमात इस्लामी तो बहुत ज्यादा फोकस थे ना इस हवाले से कि जो
मजहब के हवाले से इसके अंदर सेक्शन है उसमें कोई ऐसी तब्दीली ना हो जिससे कोई एतराज उठ सके। ये एतराज भी उस तमाम कार्रवाई कमेटी से शुरू होने के बाद आया है, तो मुमकिन है कि ये बाद में किसी जगह पर कहीं पर, मैं अब भी समझता हूँ थोड़ी सी मैं गुंजाइश किसी को दे सकता हूँ कि शायद ये कहीं से गलती से हुआ होगा, मुमकिन है। अब वो तहकीकात उन्होंने की है उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब सईद खानी साहब, अब आपको आगे ये मामला हल होता हुआ किस तरह नजर आता है? ये एग्रीमेंट, इसके बारे में मुख्तलिफ राय आ रही है, अवाम जो है वो इससे इस हद तक खुश है कि रास्ते उनके लिए खुल गए हैं, उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन एक जो बड़ा कंसर्न इस मुआहदे से सामने आ रहा है वो ये कि इसने सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करके रख दिया। फिर किसी भी किस्म का गिरोह, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो चाहे उसका कोई भी नजरिया हो, वो उठेगा, वो कोई भी मुतालबात करना शुरू कर देगा, हंगामा आराई करना शुरू कर देगा, लोगों की जिंदगी अजीरन करेगा, और फिर सोसाइटी को, गवर्नमेंट को बो डाउन करना पड़ेगा उसके सामने। और खासतौर पर जो लाहौर में इसी धरने का एक फैक्शन, वो उठने को तैयार नहीं है। आप आगे इसका सोशल इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? हम तो इस बात के हमेशा खिलाफ रहे हैं कि कभी भी कोई भी मसला हो वो इस तरह से हल उसका नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीका ये है कि बातचीत की जाए, मुज़ाकरात की जाए, उसके जरिए मामला हल हो। लेकिन अब क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू था, बहरहाल लोगों का एक जज्बाती वाबस्तगी इस इशू के साथ थी और ये पूरे मुल्क में मामला फैल गया। मैं ये समझता हूँ कि मैं जहाँ तक धरना खत्म हुआ है और मामला निपटा है उस हद तक तो हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि चले ये काम तो अच्छा हो गया, लेकिन जो और इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं सोसाइटी पर आ रहे हैं या जो आपका डेमोक्रेटिक या सिविलियन अथॉरिटी उस पर आ रहे हैं, उस पर डिबेट जरूर होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। आर एस साहब भी शायद कह रहे थे कि जी अदालत को और जो हमारी फौज है उसको से बाहर रखना चाहिए। हम यही तो हमेशा कहते रहे कि भाई इन चीजों, इन दोनों इदारों को हमारे सियासी मामला में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अदालत भी हर सियासी मामले में टांग अड़ाती है। और यहाँ आप देखें तो यहाँ आपको फौज का किरदार भी नजर आता है कि उनका जिक्र तक किया गया, जो मैं समझता हूँ कि शायद मैं जिस तरह कहा बिहाइंड द सीन अगर आपके मुआशरे के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके किसी और ऐसे शोबे के लिए जब फौज की अगर मदद की जरूरत है तो कोई हर्ज नहीं है, जरूरत अगर मुल्क को है तो करनी चाहिए। लेकिन अलल ऐलान इस किस्म का तासुर आ जाना कि जो रियासती इदारे, जो हुकूमत है या पार्लियामेंट है या जो पोलिटिकल पार्टीज है वो कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन जब फौज जो है वो पुटिंग करती है तो फिर उसके बाद सारी चीजें हो जाती है, ये तासुर नहीं आना चाहिए। इसमें पाक फौज के इदारे की इज्जत बढ़ती नहीं है, मैं समझता हूँ कि उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल वैलिड बात की है, और पहले भी आपने कहा था कि जो दस्तखत हुए हैं डीजी रेंजर्स के, मेजर जनरल के, वो भी नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जो एक लाइन एग्रीमेंट में ऐड की गई है कि हम आर्मी चीफ के और उनकी टीम के मशकूर हैं, बगैर हारिस साहब भी समझते हैं कि ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, ये फौज के इमेज के लिए कुछ मुनासिब नहीं है, आप भी ऐसे समझते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो वाजे तौर पर कह रहा हूँ कि कोई ऐसा काम जो दो सियासी जमातों के दरमियान हो रहा है या कोई ऐसा इशू जिसको रिजॉल्व करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसके अंदर किसी एक ऐसे इदारे का फरीक बन जाना जो बगैर हुकूमत के मातहत है, उनको इस तरह खुल के नहीं आना चाहिए। और ये बिल्कुल जो जिक्र हुआ है कि हम उनके मशहूर हैं, बिल्कुल अगर उन्होंने अच्छा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है तो उनका मशहूर होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी दो लाइनें लिखकर फिर उसकी शुक्रिया अदा किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद खानी साहब स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए वक्त देने पे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका भी शुक्रिया, इरफान कादर साहब का भी शुक्रिया। ये थी इस वक्त की स्पेशल ट्रांसमिशन, दोबारा भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।